स्वागत है आपका नए ट्यूटोरियल में। यहाँ पर हम सीखेंगे स्केच करना, डायमेंशन देना और उसको सेव करना। ओके, तो यहाँ पे पहले जैसे हमने किया था पार्ट, यहाँ पे पार्ट लोड ले रहा है और यहाँ से भी आप लिख कर सकते हैं न्यू से। हमारा सिस्टम लोड हो गया है, सबसे पहले हमको स्केच बनाना है तो यहाँ से आप प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा आप ऊपर जाके स्केच ओके करेंगे और स्केच के ऊपर लिखा है क्रिएट अ न्यू स्केच और एडिट एन एग्जिस्टिंग स्केच, मतलब जो आपने पहले स्केच बना चुके हैं उसको एडिट करना होता है। मैं यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, टॉप प्लेन को ओके किया तो यहाँ पर चार ऑप्शन आए हैं, तो उसमें सबसे पहला है स्केच आ गया, ये हमारा फ्रंट टॉप प्लेन आ गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन, स्क्वायर, सर्कल ये सभी विजिबल हो गया है। तो मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ, जैसे पहले ट्यूटोरियल में लिया था लाइन लिया, रैंडमली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, फिर रुद्री से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, फिर वहाँ से नीचे की साइड में एक वर्टिकल लाइन ले लिया। अभी मुझे सर्कल चाहिए, मेरे को यहाँ से सर्कल नहीं लेना है, तो मेरे को इस पॉइंट पे वापस जाऊंगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सर्कल का सिंबल आ गया है, तो ये सर्कल आ गया। आपको नीचे से करना है तो वापस उधर जाइए तो नीचे से आ जाएगा। ये पॉइंट ट्रैक करिए और ओके, अभी वहाँ से लाइन वापस आ जाएगा लाइन, फिर मुझे वर्टिकल लाइन लगाना है वर्टिकल लाइन। अब मुझे वापस सर्कल चाहिए, मैं वापस सर्कल पर गया, ये आर्क आ गया अभी, तो सर्कल चाहिए वापस सर्कल पर जाइए पॉइंट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम इन जूम आउट करने के लिए माउस का व्हील यूज करिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक लाइन आ रहा है और बाकी सब ब्लू लाइन आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि ये अभी अंडर डिफाइन है, मतलब यहाँ पे इसका मेजरमेंट हमारा ओरिजिन से है तो ये डिफाइन आएगा, मतलब ब्लैक कलर का आएगा, बाकी सब ब्लू कलर का। अभी हमको इसको डायमेंशन देना है, ये वर्टिकल लाइन को डायमेंशन देना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देना है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं स्मार्ट डायमेंशन, क्रिएट अ डायमेंशन फॉर वन और मोर सिलेक्टेड एंटिटीज। अगर मैंने सिलेक्ट किया, इसको ट्रैक किया और मेजरमेंट आप यहाँ से डायल अप कर सकते हैं ऊपर नीचे, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू इनपुट भी कर सकते हैं। मैं दे रहा हूँ 80, फिर ये हॉरिजॉन्टल इसको 70, और यहाँ पे आप इक्वेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि ये 70 + 70 140। अब ये सर्कल है, सर्कल पे ओके किया तो रेडियस आ गया 35। ओके, ये हमने यहाँ पे ट्रैक किया है इसलिए ऑलरेडी 35 आ गया है। देखो अभी ये सब ब्लैक हो गया है, ये ब्लू है, इसको देना है 20, इसको 38, इसको 40, इसको वापस चेंज करना है तो वापस क्लिक करिए इसके ऊपर और 40। अभी यहाँ पे आप नीचे दे सकते हैं आपका फुल्ली डिफाइन आ रहा है। मैं यहाँ पे एक डायमेंशन डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट करिए और माउस कीबोर्ड में से डिलीट बटन, तो यहाँ पे अंडर डिफाइन आया और ये लाइन पूरी ब्लू हो गई। तो वापस स्केच देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन और मेज़रमेंट दे दीजिए। ओके, ये तो हो गया आपका
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने सभी डायमेंशन दिया। अभी मैं इस सभी डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट सिलेक्ट डिलीट सिलेक्ट डिलीट सिलेक्ट डिलीट सिलेक्ट डिलीट सिलेक्ट डिलीट एंड सिलेक्ट डिलीट। अभी आप यहाँ पे देखेंगे डिलीट डिस्प्ले एंड डिलीट रिलेशन, यहाँ पे फुली डिफाइंड स्केच करेंगे और यहाँ पे अंडर डिफाइंड स्केच आ रहा है तो फुली डिफाइंड करेंगे और कैलकुलेट ऑटोमेटिकली जो आपने दिया था वो वापस सब सब आ जाएगा। ओके एंड ओके, आप यहाँ रखना चाहें, यहाँ रखना चाहें या यहाँ रखना चाहें, आप रख सकते हैं। ये तो हो गया और बाकी का आगे देखेंगे आगे के ट्यूटोरियल में।